ये तस्वीरें केजीपी एक्सप्रेस की हैं। वीडियो में जरा गौर से देखिए कि बदमाशों के हौसले कैसे बुलंद हैं। हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर भांजी जा रही है। गुंडागर्दी पर उतारू ये लोग एक दूसरे पर नहीं बल्कि हरियाणा में पस्त पड़ती जा रही कानून व्यवस्था पर लाठियां बरसा रहे हैं। और पुलिस क्या कर रही है ये तो कोई नहीं जानता। छज्जू नगर टोल प्लाजा पर ड्यूटी न करने के विवाद में मैनेजर के साथ टोल कर्मियों और उनके साथियों ने मारपीट कर दी। मैनेजर की कनपट्टी पर बंदूक तान कर जेब में रखे 86,000 रुपए भी लूट लिए गए। इस हमले में मैनेजर को गंभीर चोटें आई हैं। दरअसल ये वारदात सोमवार रात की है जब टोल पर काम करने वाले 8-10 बदमाश योजना बनाकर मैनेजर के पास आए। आरोपियों के हाथों में लाठी डंडे और बंदूक थी। मामले को लेकर पलवल पुलिस DSP का क्या कुछ कहना है चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए जो KGP टोल प्लाजा है वो पुलिस स्टेशन चांदहट है उसकी क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। उसमें 12 तारीख की रात्रि को जो टोल कर्मी है उनके द्वारा अपने ही मैनेजर के साथ मारपिटाई की गई थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वजह से लूट देखिए इसमें जो टोल मैनेजर है उसके द्वारा अपने कर्मचारियों को सही टाइम पर आने के लिए सही ड्यूटी करने के लिए यूनिफॉर्म डालने के लिए बार बार टोका गया जिसके कारण टोल जो कर्मचारी है उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर टोल जो मैनेजर है उसके साथ मारपीट की और 86,000 रुपये भी उनसे लूट लिए। इसमें जो बाय नेम जो अक्यूज्ड हैं वो 11 हैं जिसमें से 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्य 8-10 व्यक्ति और लिखवाए गए हैं। जो अभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनको अभी अदालत में पेश किया जाएगा और उनका अभी रिमांड लिया जाएगा। DSP ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में 11 नामजद के खिलाफ लूट मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी गांव असावटा के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस बाकी के बदमाशों को भी गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। पलवल से गुरु दत्तगर्ग पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।